आपके जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव चलता रहता है। इसमें देवता आपको संकेत भी देते हैं। जब बुरा टाइम आएगा, देवता आपको स्वप्न में और रोते हुए दिखाई देंगे। आपके जो पशु हैं, जैसे डॉग है, बिल्ली है, वो रोते हुए दिखाई देंगे, चिल्लाएंगे वो, और मतलब सब कुछ नेगेटिव सा नजर आने लगे। और जब आपका समय बदलता है, सब कुछ बदलने लगता है कि चारों तरफ से खुशी आनी शुरू हो जाएगी। आपके जो माइंड है, उसके जो वेव्स आ रही हैं परिवार से, समाज से, काम से, वो बदलने लगेंगे, वो सोच बदलने लगेगी आपके प्रति। तो जब वो सोच बदलने लगेगी, तो समझ लेना कि कुछ होने वाला है, कुछ बदलने वाला है। जब नेगेटिव चल रहा था तो वो अलग था, उससे मैं गलत हो रहा था, होने वाला था। जब पॉजिटिव होने लगता है तो पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है कि मुझे तो पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही है, कि पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है सब कुछ। ये जो प्रभाव होता है, ये आपको महसूस होने लगता है, क्योंकि इंसान के अंदर वो शक्ति विराजमान है, वो आत्मा विराजमान है, वो परमात्मा विराजमान है, जो अनुभव कर सकता है। आदमी दूर से ही मानो ये भांप लेता, शेर आ गया ये खाएगा, कोई मुसीबत आने वाली है कि ये पहाड़ गिरने वाला है, गाड़ी के ऊपर गिरेगा, तो वो बचाव के लिए प्रयासरत हो जाता है। तो उसी प्रकार से जीवन में ये जो चलता है कि आपको स्वप्न में अनुभव होने लगेंगे, आपके पितर अनुभव कराने लगेंगे, आपके इष्ट अनुभव कराने लगेंगे, कि उनका जब आपको दर्शन होगा तो समझो आपका समय बदल रहा है, टाइम बदल रहा है आपका। जब आप कहीं बाहर निकलोगे, सभी प्यार से बोलेंगे, प्रेम से नमस्ते, राम राम, जो भी जिस प्रकार से भी बोलते हैं, सामने से बोलने लगेंगे, भाव मतलब आपको देने लगेंगे सामने से, तो समझ जाना कुछ तो हो रहा है। परिवार है, परिवार का माहौल जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कि हर रोज बिना किसी कारण के झगड़ते रहते हैं परिवार के सदस्य आपस में, और सारा सब कुछ वो उसके ऊपर डाल देता, वो उसके ऊपर डाल देता, आपस में फंसे रहते हैं और झगड़ते रहते हैं बुरी तरह से। तो वो भी बदलने लगता है कि एक जो बोले दूसरा समझने की कोशिश करने लगता है, एक कोई कार्य को बोले वो दूसरा सलाह दे, वो भी समझने की, आपस में वैचारिक जो मतभेद था, जो विचारों की लड़ाई हुई थी, जो आपस में विचार मैच नहीं कर रहे थे, वो विचारों की सोच आदमी की बदलने लगती है, और पूरा परिवार मतलब आपस में उन चीजों को समझने लगता है, और सही और गलत का जो निर्णय है वो पूरा परिवार जब साथ में बैठ के लेता है, तो आप सोचो गलत हो कैसे सकता है। एक तो एक दिमाग काम करे, एक परिवार के 5-7 जो दिमाग हैं, बुद्धि हैं, वो आपस में तर्क वितर्क करके प्रेम से उसके ऊपर डिस्कस करें, तो गलत होने को रह क्या जाएगा। तो ये इस प्रकार के संदेश कि आपकी कोई वस्तु गिर गई वो ना टूटे, कि कोई आप कहीं बैठे हैं सभा के अंदर, सब लोग आपकी ही सुने, कि कोई आप कार्य कर रहे हो कि कार्य में हाथ डालने से पहले 10 लोग आ जाएं कि हमारा भी साझा कर लो, पैसे हम लगा देंगे, आप काम देख लो, चारों तरफ से मतलब आने लगे, बिजनेस अच्छा चलना लगे, तो वो टाइम होता है। जब वो टाइम आता है ना, तो सब कुछ पॉजिटिव ही चलता है, पॉजिटिव ही चलता है। इस प्रकार के संकेत पशु पक्षियों से लेकर के और परिवार तक हर जगह, जब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, पौधों में भी दिखाई देने लगे। जैसे तुलसी का पौधा है,
आपको दिखाई देने लगेगा कि वो हरा हो रहा है, बढ़ रहा है, या वो सुकड़ रहा है, सूख रहा है। वो भी महसूस करते हैं नेगेटिव ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को। पशु भी महसूस करते हैं कि एकदम से कोई निकल जाएगा, हड़बड़ा जाएंगे। बिना कोई आपको चीजें दिखाई दिए वो हड़बड़ा जाएंगे, घबरा जाएंगे, एकदम से कौन गया है, क्या हुआ है, क्या चल, एकदम से डर जाएंगे, ऐसा कि पीछे से कोई आ रहा है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो संदेश होते हैं ना, ये हमारी प्रकृति, पूरी की पूरी प्रकृति देती रहती है। बस हमें महसूस करना होता है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। हमें देखना होता है, खोज करके, बैठ करके। अगर हम केवल एक पक्ष देखेंगे, एक प्रभाव देखेंगे और अंदर से घुस करके नहीं देखेंगे, फिर हमें समझ नहीं आएगा कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या नहीं है। ये उन लोगों का काम है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बहुत जल्दी उस तत्व को पकड़ लेते हैं। कि जैसे चार आदमी गए पास से, वो समझ जाएगा कि क्या है। जैसे कोई मरा हुआ आदमी गाड़ी के आगे से निकला, वो समझ जाएगा कि क्या है, अच्छा है, बुरा है। आपकी गाड़ी के आगे से बिल्ली निकल गई, समझ जाएंगे क्या है, क्या नहीं है। और वो भी मतलब ऐसा नहीं होता कि केवल निकल गई, वो भी ये होता दाएं निकली है, बाएं निकली, हमारी तरफ देखते हुए निकली है, दूसरी तरफ देखते हुए निकली। पशु सामने से आया है, साइड से आया है। जानवर सिर के ऊपर बोल रहा है, दाएं बोल रहा है, बाएं बोल रहा है। ये इतना खेल होता है, ये भी एक प्रकार का साइंस ही होता है जिसकी खोज की गई है। हमने बहुत कोशिश की इसको समझने के लिए, एक एक चीज को निकालने के लिए। हर कोई इशारे करते हैं, हर कोई इशारे करते हैं। बस समझने वाला चाहिए। अगर 10 आदमी वार्तालाप कर रहे हैं, वहाँ भी शब्द खेल रहा है, बस पकड़ने वाला चाहिए। जब जो पकड़ने वाला होगा वो वहीं से उठाएगा और निकल लेगा, और जिसकी पकड़ में नहीं आएंगी ये चीज़ें, वो ऐसे ही समय की भी बर्बादी होगी, समझ की भी बर्बादी होगी, जीवन की भी बर्बादी होगी, परिवार की भी बर्बादी होगी, कुछ शेष नहीं बचेगा। अगर समय रहते नेगेटिव का पता चल जाए और उसका सही से समाधान किया जाए, सोच समझ के साथ, विचारों के साथ, कोई टेक्निक के साथ, एनर्जी के साथ, या कोई समर्थ अगर कोई मिल जाए हमें उस एनर्जी को तोड़ने के लिए, तो या कोई रास्ता हो किसी भी प्रकार से अगर वो मिल जाए, तो जीवन में परिवर्तन हो जाता है, जीवन समझने लगते हैं, और उस आने वाली घटना दुर्घटना से हम बच सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं समझ पाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर हम पॉजिटिव को समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, हमें बिजनेस में आ डालना चाहिए, काम करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, तो वो फिर बिल्कुल सही जाएगा। वो टाइम के अनुसार जब हम संकेत समझेंगे तो कार्य भी उसी के अनुसार होंगे, और ये कार्य फिर आप किसी भी कार्य में मार नहीं खाओगे, यानी घाटा नहीं झेलोगे, और आपका जीवन, परिवार और सब कुछ, माइंड अपने आप खुलता चला जाएगा। और इसका जो प्रभाव है ना, जैसे कि 20 वर्ष पहले की बता दी, 100 वर्ष पहले की बता दी, वो लोग प्रकृति में घुस करके कार्य करते हैं। प्रकृति में इतना तालमेल हो जाता है, वो प्रकृति से दूर नहीं रहते, और वो कुछ साधना भी करते हैं, और उसका जो प्रभाव है उनके जीवन में आप लोगों को देखने को मिलता है।